फोन चला रहे, फोन रख इसको। फिर पूछेगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता क्या है वैसे? हाँ बस ठीक है, वही जो तुमने बताया वही होता होगा। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आज के दिन ही छुट्टी करनी थी। उधर बैठ जाओ, वहां से ज्यादा दिखेगा, लाइट की दिक्कत हो जाएगी तुम्हें आंखों में। वैसे ही सर में, अब ये पता नहीं कब खत्म होगा ये सारा सिलसिला। अलग ही थ्रिल होता है ना वैसे, माँ बाप से पिट रहे हैं, छुप छुपा के मिल रहे हैं। सही है भाई, सही है, ज्यादा मत फंस जाना बस। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब तो चलता रहेगा, यही जीवन है तुम्हारा, इसके पूरे मजे लो, फिर जीवन तुम्हारे मजे लेगी। नेक्स्ट जो आज हेडिंग डाल के पढ़ रहे हैं हम, वो है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें आज मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, कल लिखवाऊंगा और परसों उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, जैसे कि हमने बीबीटी में किया था। पहले समझाया था, फिर लिखवाया था और फिर क्वेश्चन करे थे। क्वेश्चन ना होने की वजह से कुछ बच्चे पिटे थे और आगे चल के और ज्यादा पिटेंगे। कुछ चीजें छुप छुपा के ही रखनी चाहिए। सीएफटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सीएफटी की फुल फॉर्म क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाम बहुत अटपटा है पर है अच्छा सा। इसको जानने से पहले, इसको समझने से पहले आपको 11th क्लास में ले चलता हूं और कोई फीस नहीं लूंगा उसकी मैं। 11th क्लास में आपको याद होगा एक डी ऑर्बिटल हुआ करता था, या यूं कहें कि डी सबशेल हुआ करता था, याद है आप लोगों को? तो बेटा जो डी सबशेल है इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने? इसलिए हम 5 बॉक्स बनाते थे, याद होगा आप लोगों को। और आपको यह भी याद होगा कि जो डी सबशेल होता है उसमें एल की वैल्यू जो होती है वो होती है 2, है ना? उससे हम क्या निकालेंगे? ml की वैल्यू। ml की वैल्यू कहां से शुरू होगी? -2, -1, 0, +1 and +2। 5 ऑर्बिटल्स की वैल्यू होती है। इसके कोरस्पोंडिंग इनके डेजिग्नेशंस के नेम होते हैं dxy dyz, ठीक है? और एक होता है हमारे पास dzx, एंड द नेक्स्ट वन इज dx2y2, एंड द लास्ट वन इज मोस्ट प्रोबब्ली यही होता है ना। किसी की वैल्यू के साथ कोई भी मैच हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, सिवाय एक के, जो जीरो वाला है वो जेड स्क्वायर से मैच करता है। पर अभी हम ये मान के चलते हैं कि इन सब की जो एनर्जी की जो वैल्यू है, इनकी जो एनर्जी ऑर्बिटल्स की ना, एक एनर्जी होती है कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सभी की एनर्जी अभी इक्वल है, सभी की एनर्जी इस तरह के ऑर्बिटल्स को, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे ऑर्बिटल डीजनरेटेड है। बेटा डीजनरेटेड क्या होता है आप नाम समझिए, डीजनरेटेड का मतलब होता है सेम एनर्जी या इक्वल एनर्जी, समझ गए? डी के कितने ऑर्बिटल्स? कौन कौन से? dxy, dy, ये लिख लो फटाफट से, शॉर्ट फॉर्म बनानी है। पहले सीएफटी को हम समझ रहे हैं आज, कल लिखवाऊंगा इसकी थ्योरिकल, इसकी थ्योरी भी हम कल थ्योरी लिख लेंगे। अभी बस हम समझ लेते कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इट इज कॉल्ड द सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हो गए यहां तक? क्या कह रहे हो? ME नहीं है ये, ML होता है। ये ऑर्बिटल को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 11th क्लास में पढ़ाया होगा ना आप लोगों को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है? तो बस ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलो हाँ ना कुछ तो बोल। इन 5 ऑर्बिटल की शेप मैं तुम लोगों को बता रहा हूं जिससे तुम्हें ये चीजें समझ में आ जाएंगी। शेप बताने के लिए तुम क्या करोगे, 3 ऑर्बिटल एक साथ बनाओगे और 3 ऑर्बिटल, 3 के बाद सॉरी 2 ऑर्बिटल एक साथ बनाओगे। तो सबसे पहले ये एक्सेस बना लो मेरी तरह 3 बार, इनके नाम लिख लो, और इनका नाम बड़ा अच्छा अच्छा है। जैसे एक में नाम लिख दो xy, एक में नाम लिख दो yz, किसी को भी कुछ भी बना लो, तुम्हारी मर्जी है। ओरिएंटेशन इनका उस हिसाब से हो जाएगा, बस एक्सेस याद रखना। ये एक्सेस तुम कह रहे हो कि जो यहाँ वाई है वो यहाँ जेड कैसे हो सकता है, तो मैंने उसे घुमा दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेस में है तो कहीं पे भी ये दो एक्सेस के बीच की बात चल रही है यहाँ पे। बेटा एक बात याद रखेंगे, जो डी सबशेल होता है ना, जो डी सबशेल्स होता है इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं? पहले ऑर्बिटल का नाम क्या बता रहे थे आप लोग? डी एक्स वाई। तो बेटा एक्स वाई जहां पे मैंने लिखा उसके नीचे आप डी एक्स वाई लिखेंगे,
और इसमें जो लॉब्स होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं, आपको याद होगा। अरे हाँ कि ना, एक्स और वाई के बीच में होगा। यहां पे क्या आएगा, एक्स वाई, और दूसरे वाले में क्या आएगा, डी वाई जेड, ठीक है। और एक लास्ट वाला क्या हमारा, डी जेड एक्स, इसके लॉब्स भी इस एक्सिस के क्या आएंगे, बीच में आएंगे, डी जेड एक्स। प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप एक बहुत अच्छी चीज समझ रहे हैं यहाँ पे। तीन ऑर्बिटल आपने बनाए, तीनों की शेप लगभग लगभग कैसी थी, सेम थी। ये जो बैलून टाइप के बनाए हैं इसको हम लॉब्स बोलते हैं। ये जो लॉब्स होता है ये ऑर्बिटल की वो रीजंस होते हैं, या ऑर्बिटल की वो जगह होती है जहां पे, ये वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा होती है, जहां पे मैं डॉटेड लाइनिंग कर रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिला तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, तो ये जो क्लाउड सा बनाया है ये बेसिकली नेगेटिव इन नेचर होगा अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन हुआ तो। ये बात समझ में आ गई है। ये लॉब्स बिटवीन द एक्सिस हैं, लॉब्स कहां पे हैं बेटा, तो तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस के बीच में है, एक्सिस पे नहीं है। तीन ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जिनके लॉब्स एक्सिस के कहां पे हैं, बीच में। एक्सिस के बीच में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो एक्सिस के बीच में होगी, एक्सिस पे नहीं होगी। मैं इस सारे शब्द में तुम्हें बाद में कनेक्ट करने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से इन सब बातों को समझना। अब कितने ऑर्बिटल रह गए बेटा जल्दी बताओ, तो मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बस हमें लिखना है, आप इस बातों को भी बड़े ध्यान से समझेंगे। दो ऑर्बिटल और हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, दो ऑर्बिटल और बनाने के लिए, का नाम क्या था, एक बच्चा पूछ रहा था कि इनके बीच में माइनस क्या आया, तो वो रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो बस इसमें इतना याद रखना है। एंड द लास्ट वन इज जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। प्यारे बच्चों वो जो तीन ऑर्बिटल ऊपर बनाए थे वो एक्सिस के बीच में थे, वो कहां पे थे, एक्सिस के बीच में, और सिंपली लिखा हुआ था एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। यहां पे ध्यान देंगे, अभी मैंने क्या लिखा यहां पे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो अब आपको करना क्या है, ये एक्सिस के ऊपर आएगा, एक्सिस के कहां पे आएगा, ऊपर, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाला हमारा कौन सा है, वाई। तो क्या हो गया यहां पे ये बताओ, इसका नाम क्या आ गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर, वो भी जेड एक्सिस पे आ जाएगा, और उसके बीच में जो ये दो लॉब्स, इसमें सिर्फ दो ही लॉब्स बनानी है, कितनी लॉब्स बनानी है इसमें, दो, उसमें कितनी लॉब्स बनती हैं, चार, इसमें कितनी लॉब्स बनती है, दो, इनके बीच में एक सर्कल सा आ जाएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, बोलो फटाफट से। तो बेटा इसका नाम क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर, इसका नाम क्या आ गया, डी जेड स्क्वायर। मुझे एक बात बताइए, हमारे पास इसके कितने ऑर्बिटल्स हैं, डी सबसे लेके कितने ऑर्बिटल है बोलो, पांच ऑर्बिटल है, कौन कौन से, अच्छा ये तीन ऑर्बिटल अलग बनाने का रीजन समझ में आया, क्या वजह थी इसको अलग बनाना, इसको अलग बनाना, ये लॉब्स जो है वो एक्सिस के और ये लॉब्स जो है वो एक्सिस के, अच्छा इसमें जो इस लॉब्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्सिस के कहां पे है, बीच में, इसको बोलते हैं हम प्लेनर ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं इसे हम, प्लेनर ऑर्बिटल, या फिर हम इसको बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है ये हमारा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को, ये तीन, कौन से तीन, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। नीचे हमारे पास ये कैसे ऑर्बिटल है बोलो, नीचे वाला एक्सियल, क्योंकि ये एक्सिस पे है ना, तो इसका नाम क्या आएगा, एक्सियल ऑर्बिटल। तो हाउ मेनी एक्सियल ऑर्बिटल भी है, टू, एंड नॉन एक्सियल इज थ्री। प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है ये तीन है, इनको कलेक्टिवली हम टी टू जी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, टी टू जी। टी टू जी का मतलब क्या हो गया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी, किसकी बात चल रही है, टी टू जी की, कोई प्रॉब्लम, अरे है क्या, अच्छा नीचे जो दो हैं इनका जो एक साथ कलेक्शन होता है इसको हम ईजी के नाम से जानते हैं, तो ईजी कैसे ऑर्बिटल हैं, एक्सियल वाले, और टी टू जी कैसे हैं, नॉन एक्सियल वाले। क्या ये बात समझ आ गई है, अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दे यार। चलो अब ईजी समझ में आया और टी टू जी समझ में आया, डी के कितने ऑर्बिटल्स थे, पांच, मिटा दो ये सब कुछ, बना लिया है आप लोगों ने। मुझे एक बात बताइए, डी के कितने ऑर्बिटल्स थे, पांच ऑर्बिटल्स थे, और ये जो पांच ऑर्बिटल्स हैं, तो आपने जब वीबीटी करी थी ना, तो मैंने क्या किया था, दो को क्या नाम बोला था मैंने, ईजी, और बाकी तीन को क्या बोला था मैंने,
अभी समझ में आया, जो जो टी टू जी वाला वो कौन कौन है, डीएक्स वाई और लास्ट वाले, ये बाद में ही क्यों रखे, ये पहले क्यों रखे, इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं बताता हूँ तुम्हें। उससे पहले आप लोग, हम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं, हम सीएफटी पढ़ने वाले हैं इन ऑक्टाहेड्रल में। किसमें पढ़ेंगे हम? ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में पहले हम सीएफटी पढ़ेंगे। सीएफटी इज नथिंग एल्स, इट्स अ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और ये प्योरली आयनिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अभी बड़े ध्यान से समझना आप लोग, ऑक्टाहेड्रल का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है इसका मतलब? छह, क्या छह कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर छह का मतलब क्या होगा? यहाँ पे लिख दो एम एल सिक्स। क्या लिख दिया मैंने? एम एल सिक्स का मतलब क्या है? कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे? छह। जो छह बॉन्ड हुए है ना, अरे हाँ कि ना यार, ये छह बॉन्ड कहाँ पे जाएंगे? एक्सिस पे। कौन कौन सी एक्सिस पे बोलो? ये जो छह है अबाउ द बिलो द प्लेन है, और ये प्लेन में, प्लेन में मान लो दो एक्सिस हो गए, एक मान लेते हैं कौन सा एक्सिस हो गया, ये वाला कौन सा है और ये वाला। तो ये बताओ कि इन एक्सिसों पे, इन तीनों एक्सिसों पे कौन प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में? लिगेंड्स है या नहीं है? अच्छा, लिगेंड्स के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर। लिगेंड्स के पास क्या होता है? अब ये जो लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। कैसे चार्ज होता है? तो इसका मतलब क्या है कि मेटल के एक्सिस पे लिगेंड्स का क्या है? लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। लिगेंड्स का क्या है बेटा? लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों? अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ये बीच में कौन है? मेटल। मेटल के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? जब आप मेटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे, जैसे मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन भरा आपने, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कैसा चार्ज है? क्या ये बात समझ आ रही है मैं कहां लेने लेके जा रहा हूं तुम लोगों को? बेटा मेटल के पास कितने ऑर्बिटल थे? बोलो, मुंह से बोलो, कितने ऑर्बिटल थे? इजी कौन सा वाला था? टी टू जी कौन सा था? नॉन। अच्छा, एक बात बताओ, जो लिगेंड्स थे वो कहां पे मौजूद थे? एक्सिस पे थे या नॉन एक्सिस पे थे? एक्सिस पे थे। तो एक्सिस पे थे तो जो लिगेंड्स है वो किसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले? इजी के। किस वाले को? इजी के। इजी के इलेक्ट्रॉन को क्यों रिपेल करेंगे बताओ? क्योंकि इजी भी कहां पे मौजूद है और टी टू जी कहां पे मौजूद है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्सिस में मौजूद है, और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन इजी वाले हैं, कौन से वाले हैं, वो भी एक्सिस पे हैं, वो भी रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे जो लिगेंड्स के लोन पेयर हैं उनसे। आपको दोबारा बताता हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? मेटल। मेटल के पास कितने ऑर्बिटल? पांच। कौन से? अब उसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। कौन से हैं वो दो हिस्से? टी टू जी वाला एक्सिस पे कहां पे है, इजी वाला कहां पे है? एक्सिस है। तो इजी वाले में लिगेंड्स रिपल्शन क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स किसके रिपल्शन, यहां से अगर रिपल्शन होंगे तो ये भागना चाहेंगे। भाग के कहां जाएंगे? क्यों जाएंगे टी टू जी में? अपने आप को सेफ क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लिगेंड्स तो चेंज होने वाला, लिगेंड्स तो कहीं पे रहेगा, एक्सिस पे ही रहेगा, लिगेंड तो कहीं नहीं जाएगा। कौन भाग के जाएगा यहां से? इजी के इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? क्योंकि टी टू जी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सी जगह पे है? जहां पे लिगेंड्स अपना रिपल्शन कम शो कर पाएगा। रिपल्शन होगा बट कम होगा, अरे हाँ कि ना यार। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल में मैंने बताया था, जब भी पेयरिंग होगी तो कहां से कहां होगी? इजी से इस। अच्छा, एक बात और समझो, इजी से टी टू जी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जंप कर जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा लिगेंड्स के अंदर स्ट्रेंथ पे। अगर मान लो जिस एक्सिस पे मेटल के इलेक्ट्रॉन है उसी एक्सिस पे लिगेंड्स के भी इलेक्ट्रॉन है, पर लिगेंड्स इतना ताकतवर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा सके इजी से टी टू जी में, तो उसे हम क्या कैटेगरी में रखते थे? वीक फील्ड लिगेंड्स। कौन सा कैटेगरी का था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होता था? पेयरिंग हो जाती थी, अरे हाँ कि ना यार। इसी को हम बोलते हैं सीएफटी। क्या बोलते हैं इसे हम? क्या ये पूरा समझ में आया तुम लोग? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया?
ऑक्टाहेड्रल, दोबारा बता रहा हूं देखो, बहुत सिंपल सी लाइन है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर छह लिगेंड्स होते हैं, छह लिगेंड्स तीनों एक्सिस में मौजूद होते हैं। एक्सिस पे होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे ही डोनेट करेंगे, और जब वो एक्सिस पे डोनेट करेंगे तो मेटल के जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल है, जो कि कौन है, उसके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैं बताता हूं और एक्सप्लेन करता हूं, एक बार ये लिख लो फटाफट से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन देखो रिपल्शन सब में होगा, लेकिन ज्यादा रिपल्शन वाला कौन करेगा, रिपल्शन एक्सपीरियंस ज्यादा कौन करेगा, इजी। क्यों करेगा, क्योंकि वो खुद उसके लॉब्स कहां पे हैं, एक्सिस पे। कौन से दो ऑर्बिटल्स इजी में होते हैं, समझ में आया ना तुम लोगों को, जल्दी करो फटाफट। हो गया सभी का? अरे हाँ कि ना यार, जल्दी करो। डन है, चलो जी ध्यान दें, मेरी बात ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, आप पहले ना डायग्रामेटिकली समझो इस चीज को, ठीक है, फिर आपको ये बात समझ आएगी और आपको ये पता चलेगा कि आप कितना स्पेस यूज करेंगे इस टॉपिक को बनाने में। तो पहले आप लोग समझेंगे, ये लाइन मैं खींच देता हूं जिससे आपको एनर्जी लेवल का पता चलेगा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर सीएफटी के लिए। अब आप समझेंगे बेटा, आप लिखना बंद करिए, पूरा शिद्दत लगा दो, आज समझने का दिन है तो सिर्फ समझिए, ताकि आपको दोबारा घर जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैंने ये बनाया है मेटल, मेटल के पांच ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये है मेटल, और मेटल को हमने स्फेरिकल शेप में माना। इसके पांच ऑर्बिटल्स हैं, एक दो तीन चार और पांच। पांचों ऑर्बिटल के नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, एंड द लास्ट वन इज डी जेड स्क्वेयर। प्यारे बच्चों, अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, किसके ऑर्बिटल्स हैं ये, और ये मेटल के ऑर्बिटल कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका एक पर्टिकुलर कोई एनर्जी लेवल रहा होगा, मेटल अपनी दुनिया में खुश था। मेटल के अंदर जो भी डी की पावर एक्स होगी, यानी कि जो भी डी की पावर एक्स कह रहा हूँ, डी की पावर एन होगी, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हम उस हिसाब से भर देंगे। मान लेते हैं डी फाइव है या डी वन है या डी टू है, जो भी है इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भर देना है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन में जा नहीं रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए मैं फिर अलग से समझा दूंगा तुम्हें। अभी हम ये समझते हैं कि मेटल है और मेटल के पास क्या है, डी ऑर्बिटल है। डी सब शेल्स के अंदर पांच ऑर्बिटल्स हैं और उस डी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, वो हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं, वो मैं बाद में दिखा दूंगा तुम्हें, समझा दूंगा। प्यारे बच्चों, मुझे एक और बात समझानी है तुम्हें, वो ये समझानी है कि इन दोनों में दो कलेक्शन हमने किए हैं। एक जो ये पहले वाला है वो है हमारा T2G, और ये जो स्क्वेयर वाले हैं ये हमारा EG। क्या ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों को? और इसके बाद ये मेटल मिलता है किससे? मेटल के पास डी ऑर्बिटल है और आगे 4s भी होगा, 4p भी होगा। मैंने यहाँ पे मेटल के जो, जैसे मान लो मेटल का जो भी 3d वाला है वो ऑर्बिटल बनाया है, मतलब मेटल के जिसमें इलेक्ट्रॉन है ना वो डी ऑर्बिटल बनाया है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज होता था वो नहीं बनाया है यहाँ पे। तो ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये मेटल का ही डी ऑर्बिटल है। क्या हुआ कि ये मेटल ना लीगेंड से मिला, किससे मिला, हम किस में पढ़ रहे हैं, सी एफ टी ऑक्टाहेड्रल में पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, क्या होता है कि हम ऑक्टाहेड्रल में जब हम पढ़ते हैं तो ये मेटल किससे मिलेगा, लीगेंड से मिलेगा, किससे मिलेगा, तो जैसे ही ये लीगेंड से मिला, आप ध्यान से समझना, जब ये लीगेंड से मिला तो ऑक्टाहेड्रल में जो लीगेंड्स होते हैं ना, है ना, ये इस मेटल को क्या करेंगे, एक्साइट कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्साइट मतलब, एक्साइट मतलब इसकी जो भी एनर्जी थी उससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। और अभी आप ध्यान से देखोगे इस मेटल के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, और पांचों की एनर्जी लेवल इक्वल है। अरे हाँ कि ना यार, एक एनर्जी लेवल है उस वक्त ये इक्वल है, इस वक्त ये यहाँ पे ये एनर्जी जो है वो क्या है, से इक्वल है, डी एक्स वाई की भी, वाई की भी और जेड की भी। क्या हो रहा है यहाँ, पढ़ ले, हम थोड़ा सा फोकस रखो भाई, थोड़ा सा जीवन में हर चीज जरूरी है बट यहाँ पे भी ध्यान दिया करो। तो अभी जब सबकी एनर्जी इक्वल है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, क्या बोलते हैं इसे हम, डीजनरेटेड ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी, क्या सबकी एनर्जी सेम है। जब ये मेटल लीगेंड से मिलने की कोशिश कर रहा होगा तो इसकी एनर्जी जो इन पांचों की एनर्जी है वो एक्साइट होके बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एनर्जी जब बढ़ेगी तो ये पांचों ऑर्बिटल यहां पे आ जाएंगे, यहां से उछल के वो यहां चले गए, ठीक है, और यहां पे उछलने के बाद इसके पास कितने ऑर्बिटल हैं, पांच के पांच यूं रहेंगे। इन सभी का नाम मैं दोबारा लिख देता हूं, और वो नाम क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एच, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी, क्या ये बात समझ आ गई। सो व्हेन द मेटल मीट टू द लिगेंड्स इट विल बी एक्साइट, क्यों एक्साइट होते हैं, क्योंकि जब मेटल के चारों तरफ कौन आते हैं, लिगेंड्स आते हैं, तो वो लिगेंड्स कहां कहां पे आते हैं, बोलो, सारे एक्सिस पे आते हैं, कौन से एक्सिस पे आते हैं, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई और जेड सभी लिगेंड्स एक्सिस पे हैं। तो लिगेंड्स के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास मान लेते हैं यहां पे मैंने लिखा डी फाइव, क्या लिखा मैंने यहां पे, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है यार, तो लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन से और इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन क्रिएट करेगा, एक्साइट हो जाएगा, इन दोनों में लड़ाई वाली सिचुएशन आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, जब यहां पे लड़ाई वाली सिचुएशन आएगी तो मेटल अपना एक्साइट हो गया, मेटल क्या हो गया यहां पे, एक्साइट, जैसे ही एक्साइट हुआ तो इसने अपनी एनर्जी पहले यहां पे थी अब वो यहां आ गई। नाउ टेल मी, इनमें से पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रही है या सबकी अलग अलग हो गई, पहले मान लो 10 जूल थी पांचों की, तो अब भी कितनी है, अब 20 जूल हो गई होगी, डबल हो गई या 15 जूल हो गई, बढ़ गई मतलब, लेकिन आप देखो dxy, dyz, dzx और dx square, y square और dz square सबकी एनर्जी क्या रही, यानी पहले भी डीजनरेटेड था और अब भी क्या है, यानी इसने अपनी डीजनरेसी को क्या करा, मेंटेन करा। लेकिन जब लिगेंड्स आया, लिगेंड्स ने ये देखा कि मैं तो रिपल्शन क्रिएट करूंगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्रिएट करूंगा, जब इन सब की डीजनरेसी जनरेट हो रही है, तो आप ध्यान से समझना, मैं इसको यहां पे फोकस करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों, ये कौन से हैं हमारे, ये वाले कौन से हैं, अभी तक सभी ने बोला कि हम मिल बांट के रहेंगे, पांचों लड़ेंगे एक साथ इस लिगेंड से, इस लिगेंड्स को भगाएंगे, लिगेंड तो अपने लोन पेयर दे रहा है अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो उस एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से इसमें भी रिपल्शन क्रिएट होने लग रहा है। और इसी के दौरान हुआ क्या कि ज्यादा एक्सपीरियंस किसने किया, इजी ने, इजी और लड़ाई के मूड में आ गया कि मेरे को क्यों रिपल कर रहा है ज्यादा, क्यों रिपल कर रहा था ज्यादा, क्योंकि वो एक्सिस पे था और टी टू जी कहां पे था, तो इसका मतलब टी टू जी सेफ प्लेस थी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसके इलेक्ट्रॉन जंप करके उधर भाग रहे थे, अरे हाँ कि ना, और लिगेंड्स के जो इजी ऑर्बिटल थे आपस में रिपल्शन क्रिएट कर रहे थे। तो अब जो रिपल्शन क्रिएट हुई, अब इनकी डीजनरेसी टूट गई, क्या हुआ बेटा, डीजनरेसी टूट गई, एंड दे विल स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट्स, वन इज इजी, अनदर इज, सो इजी विल एक्साइट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रिपल्शन, देयर एनर्जी विल इंक्रीज्ड, इसकी एनर्जी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज, तो ऊपर कितने ऑर्बिटल्स चले गए, दो,
और ये ऑर्बिटल को कलेक्टिवली हमने क्या नाम दिया है, ईजी। इसका नाम क्या है, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसका नाम क्या है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, ईजी। ईजी ही ऊपर क्यों गया है, लॉजिक बता दिया तुम्हें। डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर की शेप ऐसी है कि इसके लोब्स कहां पे हैं, एक्सिस पे, जिसकी वजह से इसका रिपल्शन हो गया। ये बात अभी तक क्लियर है। अच्छा, नीचे कौन आया हमारा, T2G। T2G में कितने ऑर्बिटल्स, कौन कौन से हैं, समझ गए? तो इसका मतलब ये नीचे आया। अब इंटरेस्टिंग बात, अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन को, तो आपको यहां पे समझ में आएगा। मेरी बात समझिए, पहले कौन था, अरे यार, पहले कौन था, अकेला मेटल। मेटल विल एक्साइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बट दिस डीजेनरेसी नॉट मेंटेन फॉर फर्दर एंड इट विल बी स्प्लिट अप इनटू द टू पार्ट्स, वन इज एंड द अनदर इज ईजी एनर्जी विल इंक्रीज्ड, है ना। लिगेंड जब रिपल्शन कर रहा था, ईजी और टीटीजी ऊपर क्यों चले गए, क्योंकि रिपल्शन हो रही थी, और टीटीजी इसके साथ इसलिए चला गया क्योंकि ईजी के रिपल्शन के अकॉर्डिंग उसे मेंटेन करना था। पर थोड़ी देर बाद ये पता चला कि ईजी में तो रिपल्शन और टीटीजी में रिपल्शन है, पर उतना तो ईजी में ये ऊपर चला गया, अरे टीटीजी इससे नीचे आ गया। कितना नीचे आएगा, तो मेटल है ना, ये जो मेटल है, इससे ऊपर रखना इसको और इससे नीचे रखना। बात समझ में आई? मतलब अगर एनर्जी लेवल ये E1 है, तो इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, E2। यहां पे क्या हो जाएगा, E2। इससे ऊपर क्या होगा, E3। और इससे ऊपर क्या होगा, E4। सॉरी, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल किसकी दिख रही है, उसके बाद ईजी, के बाद ये वाला लेवल जिसमें सारे डिजनरेट आएंगे, उससे नीचे कौन आएगा, उससे भी नीचे कौन आएगा। ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें समझाने के लिए बताई है, तो मिटा दो, ये समझ में आ जाएगा। जल्दी बोलो, ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। E1, E2, E3 से समझ में आ रहा है तुम लोगों को, डाल लो तो डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि ये जो डी ऑर्बिटल था, इसकी डीजेनरेसी अब मेंटेन है या ब्रेक हो गई है, यानी अब ये किसमें चला गया है और किसमें, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, T2G। इन दोनों का जो गैप आया, एनर्जी का जो गैप आया, इसको बोलते हैं हम डेल्टा ओ। क्या बोलते हैं, CFSE। क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग शब्द को सेपरेशन एनर्जी से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नाउ प्यारे बच्चों, एक बार बताओ इसमें किसकी एनर्जी बड़ी है, इजी की। इस लेवल से, इस रेफरेंस से अगर हम देखें, तो इजी की एनर्जी इंक्रीज हुई है, और T2G की एनर्जी, इजी की एनर्जी कितने से इंक्रीज हुई है, तो ऊपर एरो लगा के ऐसे करके, और यहां पे आपको लिखना है टोटल ऑर्बिटल कितने थे बेटा, ऊपर कितने गए हैं, तो 3/5। क्या लिखना है आपको, 3/5 से ये इंक्रीज हुई है ऑफ डेल्टा ओ एनर्जी की। अच्छा, ये कितने से डिक्रीज हुई है, कितने ऑर्बिटल है, 3 है, तो 3 को छोड़ के क्या लिखोगे यहां पे, 2/5 माइनस में, ये डिक्रीज हुई है वो प्लस में। समझ में आई बात, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा ओ। क्या जाएगा, सॉरी जोड़ेंगे कह रहेंगे, डिफरेंस निकालोगे तो डेल्टा ओ आएगा। 3/5 माइनस 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/5, और 2/5 2/5 3/5 3/5 5/5 5/5 डेल्टा ओ। अरे हाँ कि ना यार, ये मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें, किसमें पढ़ाया है, ऑक्टाहेड्रल में। आप लिगेंड्स की लोकेशन बताइए, कौन सी जगह होती है, एक्सिस, और उसी जगह पे कौन मिलता है, ईजी। सो ईजी विल एक्साइट, सो दैट्स व्हाई द ईजी इज आल्सो कॉल्ड हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है, या हायर एनर्जी ऑर्बिटल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसे, और जो ये T2G है, ये हमारा क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, पक्का समझ में आ गई है या नहीं आई है बता दो मुझे। तो दिस इज नथिंग एल्स, इज अ CFT। अब आप लोग डायग्राम जो बनाएंगे अपनी नोटबुक में, कैसे बनाएंगे वो आप देखो, बस ये मेरे को यह ध्यान रखना, इससे ऊपर ये होगा T2G, T2G से ऊपर ये, और इससे ऊपर ये, और ये सब एक ही पेज पे आना चाहिए, जो भी कराया है मैंने, बिना देखे कोशिश करना बनाने की।